और आप ये लेक्चर घर बैठ के देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप मुझे वहां पे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो का अच्छी तरह से लुत्फ उठा सके और फायदा भी उठा सके। तो आज मैं फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करता हूं जो अभी आपके स्क्रीन पे आने वाला है। आफ्टर 20 ईयर। हाँ, एक स्टोरी है जो लिखी गई है। ओ हेनरी ने इसको लिखा और ओ हेनरी का पूरा जो नाम था वो था विलियम सिडनी पोर्टर, जो 1862 में पैदा हुए और 1910 में वो दुनिया से चल बसे, यानी मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। आई एम सॉरी, मुझे वीक है हिंदी। ये शॉर्ट स्टोरियों का मास्टर था और इसको पेन नाम से जाना जाता है, ओ हेनरी। ये नॉर्थ कैरोलिना में पैदा हुआ था, जो अमेरिका में है, और उसने अपनी फॉर्मल एजुकेशन रिसीव की थी अपने ही आंट लीना से, और वहां पे उसने एक लाइफ लॉन्ग लव जो है वो डेवलप किया था बुक्स पढ़ने में। ये कुछ इंट्रोडक्शन थी। तो आफ्टर 20 ईयर जो है एक शॉर्ट स्टोरी है दो दोस्तों की, जो मिलते हैं एक दूसरे के साथ, जो वादा किया हुआ होता है, यानी कि 20 साल पहले, और ये एंड होता है एक बहुत क्वाइट सरप्राइजिंग नोट से, और ये एक पेनफुल स्टिंग है और इसमें बहुत पेचीदगी है। चलो ओरिजिनल टेक्स्ट पे फोकस करते हैं। द पोलिसमैन ऑन द बीट मूव अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। द इम्प्रेसिवनेस वाज हैबिटुअल एंड नॉट फॉर श्योर। फर्स्ट स्पेक्टेटर्स वर फ्यू। द टाइम वाज बेरली 10 o'clock एट नाइट, बट चिली गस्ट्स ऑफ विंड विद अ टेस्ट ऑफ रेन इन देम हैड वेल डी पीपल स्ट्रीट। पुलिसमैन गश्त कर रहा था बड़े मुतासरकुन तरीके से। जो मुतासरानापन था वो उसकी आदत थी, वो दिखावे के लिए वो नहीं करता था। कुछ ही तमाशाई थे। वक्त था तकरीबन 10 बजे का, रात के 10 बजे का वक्त था, और आंधी के झोंकों ने बारिश की मुमकिनात के साथ ठीक अच्छी तरह से गली को खाली कर दिया था। ट्राइंग डोर एज ही वेंट टिबॉकलिंग हिज स्कल विद मेनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट्स, टर्निंग नाउ एंड देन टू कास्ट हिज वॉचफुल आई डाउन द पेसिफिक थोरोफेयर, द ऑफिसर विद हिज स्टालवर्ट फॉर्म एंड स्लाइट स्पीकर made a fine picture of a girl in off the piece. The vicinity was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter, but the majority of the doors belonged to the business places that had long since been closed. वो दरवाजों को चेक कर रहा था, अपने डंडे को बड़े पेचीदा तरीके से मोड़ता था, फिर झुकता था, मुड़ता था, और अपनी चौकस्ता नजर रास्ते पे डालता था, और फिर वो ऑफिसर अपनी नमाया खासियत के साथ और खुद एतमादी के साथ अमन का एक बहुत ही दिलकश मंजर पेश कर रहा था। जो वहां गिर्दो नवा था पहले ही बंद हो चुका था, अब वहां पे सिर्फ
light of cigar store ya all night lunch counter ki hi light dekhi ja sakti thi aur majority wahan jo shops the wo business se taluk rakhte the aur pehle hi band ho chuke the yahan pe door ka matlab ho jayega aayega shops. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk, and in the doorway of a darkened hardware store, man leaned with unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. जब वो जा रहा था बहुत सारे ब्लॉकों के बीच में अचानक वो चलते चलते रुक गया और डोरवे में हार्डवेयर के जो काफी अंधेरा वहां पे था हार्डवेयर के स्टोर में एक आदमी खड़ा था एक आदमी झुका हुआ था उसके मुंह में एक सिगार थी जो जलाई हुई नहीं थी जो ही पुलिस मैन उसकी तरफ किया आदमी बहुत तेजी से ये बोलने लगा इट्स ऑल राइट ऑफिसर ही सैड अश्योरिंगली आई एम just wearing perfume it's an appointment made 20 years ago sound a little funny to you doesn't it well I will explain if you'd like to make certain it's all right about that long ago there used to be a restaurant where this store stands big joe brady's restaurant सब कुछ ठीक है उसने यकीन दिलाते हुए कहा मैं सिर्फ अपने दोस्त का इंतजार करता हूँ ये एक वादा है जो हमने 20 बरस पहले किया था आपके लिए एक मजाक होगा होगा हाँ अच्छा मैं आपके लिए बयान करूँगा अगर आप मुझ पे यकीन करोगे ये सब कुछ ठीक है बहुत पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जहां पे ये स्टोर अब खड़ा है उस रेस्टोरेंट का नाम बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट हुआ करता था यहाँ पे मैंने पढ़ा यूड यूड यहाँ पे वुड आता है और आजकल के दौर में इसको यूड पढ़ते हैं और पहले भी अमेरिकन लैंग्वेज में इसको यूड ही पढ़ते हैं इसको वुड नहीं पढ़ते क्योंकि डी और यू जब आपस में मिल जाता है तो इसको यूड पढ़ा जाता है इफ यू वुड लाइक टू मेक सर्टेन आगे चलते हैं After 20 years में हम आगे टेक्स्ट पे ध्यान देते हैं कहता until 5 years ago said the policeman it was turned on then कहता है पुलिसमैन हाँ ये 5 साल पहले इसको तोड़ा गया था the man in the doorway struck the matchbox जो उस डोरवे पे खड़ा था उसने माचिस जलाई lit his cigar सिगरेट चलाई the light showed pale scared jarred face with keen eyes and a little white cigar near his right eyebrow and his scalp pin was a large diamond all he said up jab usne light jalai light jalane ke baad jo square jawed chehre ka tha wo dikhai diya tez aankhon ke sath aur chhota sa daag jo uske right eyebrow pe tha wo safed tha wo bhi dikhai diya और उसकी जो सका के जो पेन्स थे वो बड़े बड़े थे और अजीब तरीके से डायमंड के थे बड़े बड़े थे और अजीब तरीके से वो सेट किए गए थे 20 years ago tonight said the man I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells my best chum and the finest chum in the world he and I were raised here in New York, just like two brothers together. I was 18 and Jimmy was 20. The next morning, I was to start for the West to make my fortune, and you couldn't have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on earth. Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from than there and time, no matter where our conditions might be or from what distance we might have to come. We figured that in 20 years, each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made what they were going to be.
अब कहता है कि 20 बरस आज रात को हो गए हैं, उस आदमी ने कहा मैंने यहाँ पे बिग जो ब्रैडीज पर जिमी बेल के साथ जो मेरा बेहतरीन दोस्त है, दुनिया का सबसे बेहतरीन दोस्त है, जो है वो खाना खाया था रात का, वो और मैं यहाँ पे पले बड़े न्यूयॉर्क में दो भाइयों की तरह इकट्ठे। मैं 18 साल का था, जिमी 20 साल का था, और दूसरी सुबह को मैंने वेस्ट में जाना शुरू किया और वहां पे किस्मत आजमाने शुरू कर दिए, या मैंने वेस्ट जाना जो है वो शुरू किया अपने किस्मत को आजमाने के लिए। आपने जिमी वेल्स को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं खींचा? ओह, उसने सोचा था कि यही मेरे लिए जगह है। हम रजामंद हो गए थे उस रात को कि हम दोबारा यहां पे मिलेंगे ठीक 20 साल बाद इस डेट और इस वक्त से, जो भी कंडीशन हो, जहां से भी हमें आना पड़े। तो हम ने ये 20 बरस गिने, हम दोनों में से हमारी किस्मत के साथ जो उसने काम किया और हमारे तकदीर के साथ और जो हमें जहां लेके जाए। अब हम 20 इयर्स में आगे पढ़ेंगे। इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, सेड द पुलिसमैन, रादर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स, दो इट सीम्स टू मी हैवंट यू हियर फ्रॉम योर फ्रेंड्स सिंस यू लेफ्ट। ये तो बहुत दिलचस्प है, पुलिसमैन ने कहा, और बहुत लंबा अरसा हुआ है आपकी मुलाकात का जो मुझे दिखाई देता है। क्या आपने अपने दोस्त से कभी जो है कुछ नहीं सुना जब से आपने उसको छोड़ा है? Well, yes, for a time we corresponded, said the other. दोस्त ने कहा हाँ, कुछ वक्त तक तो हम खत किताबत में रहे, but after a year or two we lost track of each other. हाँ, दो या एक या दो साल पहले हम एक दूसरे का पता खो गए हैं। You see, आप जानते हो, West is a pretty big preposition, and I kept hustling around over it pretty lively. But I know Jimmy Bell's meet me here if he is alive. For he always was the truest, staunchest old chap in the world. He'll never forget. I came 1,000 miles to stand in this door tonight. It's worth it if my old partner turns up. कहता है हाँ, कुछ देर तक तो हम एक दूसरे के साथ खतों किताबत में रहे, दूसरे ने कहा, लेकिन एक या दो साल पहले हम एक दूसरे का पता खो गए। आप जानते हो, वेस्ट बहुत बड़ा है और मैं कहता है कि और मैं अपने जो है पैसा कमाने के लिए आगे पीछे जो है वो हौसल करता रहा, जाता रहा, दौड़ मेरी थी पैसा कमाने की। मैं जानता हूं कि जिमी वेल्स मुझे यहां पे ज़रूर मिलेगा अगर वो ज़िंदा होगा। वो एक बहुत बेहतरीन और सच्चा दोस्त था दुनिया में, और वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। मैं इतने मायल का सफर करके आया हूँ यहाँ खड़ा होने के लिए इस दरवाजे पे आज की रात को। ये मेरे लिए कीमती है, और मेरे लिए बहुत बुरा होगा अगर मेरा पुराना दोस्त मुड़ जाएगा। The wearing man pulled out a handsome watch, the lead of it set with a small diamond. उसने क्या किया कि एक अपनी घड़ी निकाली, उसका चेन
छोटे छोटे हीरों से सेट किया हुआ था. 3 minutes to ten, he announced. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. कहता है कि 10 बजने को 3 मिनट है, उसने बताया. ये ठीक 10 बजे थे जब हम यहाँ से जुदा हो गए थे इस रेस्टोरेंट के दरवाजे से. Did pretty well out west, didn't you? Asked the policeman. क्या आपने वेस्ट में बहुत अच्छा जो है वो नाम पैदा किया? पुलिसमैन ने पूछा. You bet. I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though good fellow as he was. I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in groove in New York. It takes the West to put a Roger edge on him. Sorry. It takes the West to put a razor edge on him. अब क्या कहता है कि आप शर्त लगाते हो. मुझे उम्मीद है कि जिमी ने यहाँ पे मुझसे आधा किया होगा. वो मेहनती किस्म का था, अच्छा दोस्त था, लेकिन मैंने बहुत बड़े लोगों के साथ जो है वो मुकाबला किया अपना जो है ढेर बनाने में पैसों का. और एक आदमी यहां नाली में क्या कुछ हासिल करता है. तो वेस्ट उसको जो है काट देता है, एक रेजर एज कर देता है, यानी कि जो यहाँ पे उसने कमाया हुआ है उससे दुगना मैंने वहां पे कमाया हुआ है, और मेरा दुगना उसको रेजर एज कर देगा, काट देगा. आगे बोलता है, The policeman tivolied his gulp and took a step or two. उसने फिर अपना डंडा मोड़ा और एक या दो कदम लिए. I'll be on my way. मैं जा रहा हूँ. Hope your friend comes around all right. कि आपका उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है ठीक वक्त पे आपका दोस्त आ जाए. Going to call the time on him. Sure. कि वक्त उसको ठीक तरह से बुलाए. I should say not. मुझे कहना नहीं चाहिए. The said the other. दूसरे ने कहा. I will give him half an hour at least. मैं उसको आधा घंटा कम से कम दूंगा. If Jimmy is alive on the earth, अगर वो जिंदा है जमीन पे, he will be here by that time. वो उस वक्त तक यहाँ पे होगा. So long, officer. खुदा हाफिज. अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. After 20 years, मैं. Good night, sir. ऑफिसर भी उसको बोलता है, पुलिसमैन भी उसको बोलता है, गुड नाइट. सैड द पुलिसमैन पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट ट्राइंग डोर एज इवन. फिर वो उस जगह से जा रहा होता है, गश्ती वाले इलाके से जा रहा होता है और दरवाजों को चेक कर रहा होता है जो ही वो वहां से जाता है. देयर वाज नाउ अ फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग. वहां पे बूंदोबांदी हो रही है, ठंडी सी बूंदोबांदी हो रही होती है. एंड द विंड हैज राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ्स इनटू अ स्टेडी ब्लू. अब वो जो गैर यकीनी झोंके होते हैं उन झोंकों से अब बहुत पक्के झोंकों में वो आंधी जो है अब बढ़ जाती है. द फ्यू फुट पैसेंजर्स एस्टर that got a hurriedly, dismally, and silently along with the collars turned high and pocketed him. और कुछ राहगीर चलने वाले आए उस वक्त में बहुत जल्दी, बहुत नाउमीद थे और खामोशी से जा रहे थे अपने जैकेटों के साथ, कोटों के साथ, जो जिनके बड़े बड़े कॉलर थे और उन्होंने जो है वो हैंड और हाथ अपने पॉकेट में डाले हुए होते थे या डाले हुए थे अपने जेबों में.
And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment, uncertain, almost to absurdity, with the friend of his youth, smoked his cigars and waited. So, एक आदमी उस दरवाजे पे हार्डवेयर के जो बहुत माइल तह करके आया था या 1,000 माइल तह करके आया था या हजारों मील तह करके आया था अपना वादा पूरा करने के लिए, वहां पे गैर यकीनी तौर पर वो एक बेहुदीगी या बेहुदा तरीके से बैठा हुआ होता है अपने फ्रेंड के इंतजार में और सिगरेट स्मोक कर रहा होता है. About 20 मिनट ही वेटेड, 20 मिनट तक उसने इंतजार किया. Then tall man in long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. लेकिन 20 मिनट तक उसने इंतजार किया, तब एक लंबा सा आदमी ओवरकोट, बड़े से ओवरकोट में आया, कॉलर उसकी तरफ मुड़ा हुआ था उसके कानों की तरफ, और जल्दी से उसने क्रॉस किया मुखालफ साइड से गली के, और वो डायरेक्टली उस इंतजार वाले आदमी के पास चला गया. Is there you, Bob? He asked doubtfully. क्या आप बॉब हो? उसने शक करते हुए कहा. Is there you, Jimmy Wells? Cried the man in the door. उसने कहा कि आप जिमी वेल्स हो. उसने चलाया, उस दरवाजे से चलाया. Bless my heart, कहता है, खुदा मेरे दिल को थामे रखे. Exclaimed the new arrival, जो मतलब उसने बयान किया जो वहां पे नया आदमी पहुंचा. Grasping both the other's hand with his own, और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए पकड़े. It's Bob, sure as fate. ये बॉब है जैसे कि मैं मेरी तकदीर ने सोचा था, यकीन किया था. आई वॉज सर्टेन, मुझे यकीन था. आई फाइंड यू हियर, कि मैं आपको इधर आपको ले लूंगा इधर. इफ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, कि अगर आप अभी भी जिंदा हो. वेल वेल वेल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा. 20 years इज अ लॉन्ग टाइम, 20 बरस तो बहुत 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 लंबा अरसा है. The old restaurant gone, अब पुराना रेस्टोरेंट तो चला गया. Bob, I wish it had at lost it, so we could have had another dined here. मैं ख्वाहिश करता हूँ अगर ये होता तो हम यहाँ पे फिर से खाना खाते रात का. हम How has the west treated you, old man? आप west ने आपको आपके साथ क्या सुलूक किया, उड़े. बोली, it has given me everything I asked for. You have changed lot, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. बोली, वेस्ट ने मुझे सब कुछ दिया जिसके लिए मैंने पूछा. आप बहुत ज्यादा तब्दील हो गए हैं, जिमी. मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि तुम 2 या 3 inches लंबे हो जाओगे. Oh, I grew a bit after I was 20. हाँ, 20 बरस के बाद मैं काफी लंबा हो गया. Do well in New York, Jimmy. Jimmy, न्यूयॉर्क में आपने अच्छा किया. Moderately, हाँ थोड़ा सा. I have a position in one of the city department. हाँ, एक city department में मेरी अच्छी position है. Come on, Bob. आइए जल्दी से, Bob. We will go around to a place. हम एक जगह पे जा रहे हैं, जाएंगे. हम एक जगह पे जाएंगे. I know आप, जिसके बारे में मैं जानता हूँ. Have a good long talk about old time. हम पुरानी जमाने की लंबी सी बातें वहाँ पे करेंगे. The two men started up the street arm in arm, and the man from the west and his egotism enlarged by success was beginning to outline the history of his career, and the other submerged in his overcoat listened with interest. Dono aadmi ne gali se guzarna shuru kar diya, haath
हाँ कंधे से कंधा मिला के, बाजू से बाजू मिला के, और जो वैसे था उसकी बहुत बड़ी इगोटिज्म थी कि मैं कामयाब हो चुका हूँ, और वो उसके कैरियर की तारीख का एक खाका दिखाई दे रहा था। और दूसरा जो है वो ओवरकोट में ग्रूब हो गया था, ओवरकोट में पूरी तरह से डूबा हुआ था और उसको बड़े दिलचस्प तरीके से सुन रहा था। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स। व्हेन दे केम इनटू दिस क्लियर, ईच ऑफ देम टर्न सिमल्टेनियसली टू गेज अपॉन द अदर्स फेस। तो वहाँ कॉर्नर में एक ड्रग का स्टोर था, कोने पे एक ड्रग का स्टोर था, वहाँ पे बहुत तेज लाइट थी बिजली की जो चमकती थी। जब वो वहाँ पे पहुंचे और एक दूसरे को देखा, एक दूसरे से वो मुड़ गए जल्दी से और देखने लगे एक दूसरे के चेहरे को। आगे हम आफ्टर 20 ईयर में पढ़ेंगे। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप सडनली एंड रेज्ड हिज हैंड हिज आर्म सॉरी वो जो वेस्ट से आया हुआ आदमी था, वो एकदम से उसने उसका हाथ झट दिया और जो है वो रुक गया। यू आर नॉट जिमी वेल्स ही स्नैप्ड। उसने जो है वहां से हाथ जकड़ा, उसने कहा कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो। 20 years इज अ लॉन्ग टाइम बट नॉट लॉन्ग एनफ टू चेंज अ मैंस नाउस फ्रॉम अ रूमन टू पग। कहता है कि इतना अगर 20 बरस बहुत लंबा अरसा है, लेकिन इतना लंबा अरसा भी नहीं कि एक रूमेन की एक जो है वो नाक, छोटी सी नाक एक लंबी नाक में चेंज हो जाए। इट समटाइम चेंजेस अ गुड मैन इनटू बैड वन, सेड द टॉल मैन। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स, सिल्की बॉब। शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे एंड वायर अस। शी वांट्स टू हैव अ चैट विद यू। गोइंग क्वाइटली आर यू? दैट्स sensible. Now, before we go to the station, here is a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's from petroleum man Wells. आगे बोलता, हाँ ये बहुत लंबा अरसा है जिसमें एक आदमी अच्छा आदमी बुरा हो जाता है। उस आदमी ने कहा, लंबे आदमी ने कहा, आप 20 मिनट से अंडर अरेस्ट है सिल्की बॉब। शिकागो ने सोचा कि आप हमारे रास्ते में आओगे और उन्होंने हमें जो है वो फोन किया और वो आपके साथ बातें करना चाहती हैं। खामोशी से जाते हुए आप, ये बहुत अकल अकल की बात है। आप इससे पहले कि हम स्टेशन जाएं, यहाँ पे एक नोट है, मुझे कहा गया है कि ये आपको दें और आपको ये पढ़ना चाहिए इस खिड़की पे, ये पेट्रोलियम वेल की जानिब से है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्ड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड हिम एंड हिज हैंड वाज टैली व्हेन ही बिगन टू रीड बट इट वाज ट्रिम्बल्ड अ लिटिल बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड द नोट वाज रादर शॉर्ट। ये आदमी जो वेस्ट से था, उसने जब उसको खोला, उस कागज के छोटे से टुकड़े को जो उसको दिया गया था, और उसका हाथ कांप रहा था जब उसने पढ़ना शुरू कर दिया, और जब उसने उसको खत्म कर दिया, नोट थोड़ा सिंपल था और ज्यादा बड़ा नहीं था। बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम व्हेन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट यूर सिगार। आई सॉ इट वॉज द फेस ऑफ अ मैन वांटेड इन शिकागो। सम हो आई कुडंट डू इट माई सेल्फ सो आई वेंट अराउंड एंड गॉट अ प्लान क्लाउड मैन टू डू द जॉब। बॉब, मैं अपॉइंटेड जगह पे पहुंचा हुआ था टाइम पे जब आपने मैच बॉक्स को जलाया और सिगरेट जलाई। मैंने देखा था आपके चेहरे को और जाना था कि आपको शिकागो शिकागो चाहती है। किसी भी तरह से मैं ये नहीं कर सकता था, इसलिए मैं वहां से चला गया और एक प्लान क्लाउड मैन को ये काम करने के लिए छोड़ा।
ये था होल टेक्स्ट जिसके बारे में हमने बात की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कल इंशाल्लाह इसी पे बात होगी, इसके जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देते चलूं। इसमें हमारा डिस्कशन है, वोकैबुलरी है, और उसके बाद हमारा जो है राइटिंग है, राइटिंग के बाद स्पीकिंग, ग्रामर, लिसनिंग और स्टडी स्किल्स हैं। इन सब पे कल इंशाल्लाह बात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके कमेंट्स आएंगे।